आज हम लोग एक सोलो की सेटिंग्स देखेंगे, जो सेटिंग्स में हम उसमें कैसे चेंजेज कर सकते हैं या अपने हिसाब से मॉनिटर को कैसे सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये मशीन हमारा ऑन हो रहा है। ये मशीन हमारा ऑन हो चुका है, हम देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स है। ये एक तो एक मेन्यू हो गया, ये मेन्यू में जाएंगे तो जो भी जनरल सेटिंग्स है वो मेन्यू में जाने के बाद हम कर सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन है, ये सेमन लीड हमने देख रखा है, सेमन लीड को बिड नंबर्स में अगर चेंज कर देंगे तो इस तरीके के स्क्रीन्स आ जाएंगे, यानी जो भी है वो बड़े बड़े नंबर्स में हमारे जो भी पैरामीटर्स है वो डिस्प्ले होने लगेंगे। उसके अलावा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर इंटरफेस है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनीटर्स का आउटपुट है, आप इन सारे कंडीशन पर मोनीटर्स के स्क्रीन को देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे हम लोगों ने पहले 7 इंच देखा तो हमने 7 इंच पर सेटिंग कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे जो मॉनिटर्स में हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर, जैसे बीप वॉल्यूम, जैसे हमारा जो स्पीकर आता है उसमें अगर बीप वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं। अलार्म का वॉल्यूम भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, बेप की सेटअप कर सकते हैं, बाकी ट्रेंड शॉर्ट सेटअप ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ सिस्टम सेटअप में हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, टाइम सेटअप कर सकते हैं, टाइम डेट हमने टाइम डेट पहले से सेट कर रखा है, जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं उस समय का। पेशेंट टाइप में हमने एडल्ट सेट कर रखा है या पेशेंट टाइप एडल्ट चाइल्ड न्यूनेटल, तीनों केसेज में ये मॉनिटर यूज हो सकता है, तीनों में चेंज कर सकते हैं। ये अलार्म लेवल्स है, यानी डिफरेंट लेवल्स पे क्या कैसे अलार्म्स बजेंगी, कौन से पैरामीटर्स पे कब क्या अलार्म बजेगा, वो सारे कर रखा है हमने, इसको डिफॉल्ट पे रखा है। प्रीवियस पे आ जाएंगे, इसमें प्रीवियस पे आके अब हम देख सकते हैं सिस्टम इन्फो में जो भी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन से भी वो सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले होगा। ये अलार्म्स भी हुए, यानी कब पिछली बार अलार्म या कितने बजे अलार्म कब क्यों ट्रिगर हुआ था, ये टाइम आएगा, उसके साथ अलार्म्स का कारण आएगा, तो जो भी डिस्प्ले है वो सारी 24 आवर्स की डिस्प्ले हो जाएंगी, तो कब किस कारण से अलार्म इसमें पॉपअप हुआ था। इसके अलावा हम अब देख सकते हैं मेन्यू में जाएंगे, अलार्म्स का हो गया, एआर रिव्यू देख सकते हैं, अलार्म्स का जो भी रिव्यूज है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ अलार्म सेटअप्स में जाके कॉमन अलार्म कब कैसे कितने एचआर में, यानी एचआर जब हर्ट रेट 120 से ऊपर या 50 से नीचे होगा तब अलार्म पॉपअप आएगा। उसके बाद SPO2 जब 90 से नीचे होगा तब पॉपअप आएगा, जो 100 से ऊपर ये जाएगा नहीं। NIVP की भी सेम उसी तरीके से सारी चीज़ों की हमने सेटिंग्स कर रखी हैं, आप उस सबको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अलार्म वॉल्यूम आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या तो ऑफ कर दीजिए, 1, 2, 3 अलग अलग पोजीशंस पे आप उसको रख सकते हैं। न्यू पेशेंट लेना है तो न्यू पेशेंट का नाम, केस नंबर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिट कर पाएंगे। उसके अलावा ये कैलकुलेटर्स है, HRV ड्रग कैलकुलेशंस आप करना चाहते हैं, HRV कैलकुलेशंस करना चाहे HRV एनालाइज करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ड्रग कैलकुलेशंस में आप ड्रग का नाम डालेंगे, वेट डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, उसके अलावा जो सारी चीज़ें आप जो भी इनपुट्स है वो फिट करेंगे, उसके साथ ये आपका कैलकुलेशंस के साथ ये पेशेंट को ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। एग्जिट कर गए हम लोग यहाँ से। यहाँ उसके बाद ये स्टैंड बाई मोड पे डालेंगे तो स्टैंड बाई पड़ेगा, जब हमको जरूरत पड़ेगा इसको हम दोबारा ऑन करके इसको यूज कर सकते हैं। एक बार प्रेस करेंगे पावर का बटन, ये अपने आप मशीन बूट कर जाएगा। अलार्म्स रीसेट, अगर मान लीजिए जो हमने अपने अलार्म सेट किया उसको आप जो डिफॉल्ट अलार्म से उस पर करना चाहते हैं तो अलार्म रीसेट डालेंगे, सारे जो प्रीवियस जो भी अलार्म थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, डिफॉल्ट पे अलार्म आ जाएगा, बैक टू मेन मेन्यू आ जाएंगे। अब अलग अलग तरीके की भी सेटिंग्स में देख, जैसे ECG की सेटिंग्स हमने दे रख दिखेगा, ECG की सेटिंग्स में आप जाइएगा तो आप कौन सा ग्राफ आपको डिस्प्ले होगा वो सारी चीज़ें बताएगा, ECG की गेन बताएगा, HR का सोर्स है वो ऑटो रखिएगा, ECG रखिएगा, प्लेथ के ग्राफ से रखिएगा, वो सारी चीज़ें आ सकते हैं। बीप वॉल्यूम आप यहाँ से ECG के लिए भी ऑन कर सकते हैं, ECG के लिए जनरली हम लोग ऑफ कर रखते हैं। अलार्म सेटअप जो वहाँ आपने पूरा सेटअप देखा था इसमें सिर्फ आपको ECG का सेटअप से अलार्म कर सकते हैं, यानी जो वहाँ सारा एक्युमुलेटेड सेटअप था यहाँ पे हम देखेंगे जो सारे सेटअप जो है इंडिविजुअल के लिए अलग अलग दे रखे हैं, यानी एक आप चाहते हैं जो हमारा सिर्फ एक चीज़ों का सेटिंग्स चेंज हो या एक चीज़ों का अलार्म चेंज हो तो उसके हिसाब से आप यहाँ से उस चीज़ का या फिर उस पैरामीटर का जो अलार्म है वो चेंज कर सकते हैं। ये NIVP का है, NIVP ऑटो टाइम हमने 1 मिनट रखा है, ये 1 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच में रख सकते हैं या फिर 8 घंटे तक, जितना आप चाहे उतना टाइम इंटरवल रख सकते हैं। अगर इन बिटवीन आप मैनुअली कभी लेना चाहते हैं, यानी आपकी इच्छा जो नहीं 2 मिनट में हो रहा है या फिर आधे घंटे में हो रहा है, 15 मिनट आपको लेना है, तो यहाँ हमने इम्प्रॉम्प्टू जो है वो BP एक्विजिशन का स्विच दे रखा है,
इसको आप प्रेस करेंगे एट अ टाइम बीपी रियल टाइम में बीपी एक्यूजेशन शुरू हो जाएगा। मोड हमने ये मैनुअल रखा है, अभी इसको ऑटो कर देंगे। ये अडल्ट पे है ऑब्जेक्ट, ये मोड मैंने मैनुअल रखा है, ऑटो कर देंगे तो ऑटो वाले ये मोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैनुअल रखेंगे तो ऑटो टाइम सेट करने के बावजूद भी हमारा जो बीपी मॉनिटरिंग है वो स्टार्ट नहीं होगा, तो हम इसको मैनुअल पे रखेंगे। ये यूनिट हमने एमएमजी में रखा है, आप इसको के किलो पास्कल में भी रख सकते हैं। लीकेज के अलावा हमने ये टी दे रखा है ताकि थोड़ा बहुत कुछ लीकेज हो तो उससे कोई ज़्यादा ही फिक्स नहीं आएगा। उसी तरीके हम लोग एसपीओ टू का सेटिंग देखेंगे, इसमें बीप वॉल्यूम हमने ऑफ कर रखा है, अगर ऑन कर देंगे तो हमारा जब एसपीओ टू आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद बीप देना ये स्टार्ट हो जाएगा। रिचार्ज का सोर्स हमने इस पर भी ऑटो रखा है। स्कैन स्पीड है वो 25 mm/s रखा है, यानी 25 mm में एक सेकेंड में वो स्कैन करेगा। अलार्म का सेटअप से ये एवरेज टाइम है। इसके अलावा हम रेस्पिरेशन रेट में भी जाकर देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो भी प्रीवियस सेटिंग्स थी वो सारी सेटिंग्स रेस्पिरेशन रेट में भी आएगी, और टेम्परेचर के लिए इसमें भी वो सेम सेटिंग्स आएगी। इसमें सिर्फ ये यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस में है, चूँकि हम लोग इंडिया में डिग्री फारेनहाइट में देखते हैं, हम इसको फारेनहाइट में भी करके रख सकते हैं। या T1 और T2 का लेवल्स भी चेंज कर सकते हैं, यानी जो आपको मन हो उस हिसाब से स्किन टेम्परेचर जो भी आप दो प्रोब जहाँ भी कनेक्ट करेंगे उस हिसाब से उसका नाम रख सकते हैं। ये पूरा हमारा XLOD का सेटिंग्स था जो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने यूज के हिसाब से उसको अडेप्ट करके अपने हिसाब से मॉनिटर को चला सकते हैं। जो भी डॉक्टर्स है या जो भी आई एन एस यू है जो भी यूज करने वाले स्टाफ होंगे वो अपने हिसाब से मॉनिटर के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।